मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उज़ुहा के मौके पर मैं आप तमाम को ईद मुबारक कहती हूँ। ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको एक पैगाम देने के लिए आई है, ख़ास कि हम इस ईद को बकरा ईद भी कहते हैं, कुर्बानी देते हैं और गोश्त वगैरह तीन हिस्से में तकसीम करते हैं। अभी हम इस मौके पर आज इस COVID-19 पैंडमिक के इस ज़माने में हमारा बकरा ईद का मनाना और मनाने में हमको ख्याल रखना चाहिए कि अपने घर में काटते वक्त हो या गोश्त बांटते वक्त हो या कचरा फेंकते वक्त हो, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाथ में ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। अपने सफाई के साथ साथ अपने अतराफ की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में जब गोश्त काटते हैं तो खून बाहर ना बहे, सड़कों पर ना आए, उसका ध्यान रखें। और जब कचरा जो भी आता है उसको एक पॉलीथीन कवर में कंप्लीट पैक करें। पैक करके जिम्मेदारी के साथ कि हम जहाँ पे कचरा कुंडी है, जहाँ पे उसके अंदर इर्द गिर्द भी नहीं, उसके अंदर फेंकने का इंतज़ाम करें, ताकि अपना घर का, अपने महल्ले का, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। ईद की खुशी पर हम इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखें, सब खुशी बनाएँ। खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन इकरामी, क़ुरबानी के मौके पर ख़ुद साहब की खिदमत हासिल की जाती हैं, ऐसे में चाहिए कि हम कसाब जब हमारे घर पर आए तो उसको गर्म पानी से वज़ू करवा दें या उसके हाथ मुंह धुला दें और उसके जो औज़ार हैं उनको भी गर्म पानी से धुला दें और उसके बाद क़ुरबानी का जानवर ज़ुबह कर दिया जाए। और ज़ुबह करने के बाद भी वहाँ एहतियात बरतें, लोगों को जमा होने न दें, घर के एक आध फर्ज सामने रहें और क़ुरबानी का फरीज़ा अदा हो जाए और फिर गोश्त की तकसीम भी कर ली जाए। तो बेहतर सूरत यही है कि साहब जब उसके टुकड़े टुकड़े बनाकर अलग से कर देंगे तब हमको चाहिए कि दूर दराज मकामात पर तकसीम करने के लिए जाने के बजाय अपने पास पड़ोस में रहने वालों के दरमियान तकसीम कर दें, खुद घर वालों को उससे इस्तेफादे का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आप तमाम हजरात की खिदमत में ईदुल अधा की बेहद मुबारकबादियाँ पेश हैं। जहाँ हम ईद मनाकर अपने मजहबी होने का सबूत देते हैं, वहीं हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम इस मौके पर अपने उम्दा अखलाक वाले होने का सबूत भी पेश करें। उसका तरीक़ा ये है कि ईदुल अधा के मौके पर जानवरों की कुर्बानियाँ होती हैं और इस मौके पर जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनकी जो गंदगी रह जाती है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी गंदगी को, आलाइश को, बाकियात को जो रह जाते हैं उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसके मुताबिक उसको ठिकाने लगाएं, ताकि हमारी ईद के गुज़रने के साथ साथ सफाई सुथराई का भी बाकायदा इंतज़ाम हो, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई मसला हमारे लिए खड़ा ना हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ईदुल अज़हा के मौके पर दिल की गहराइयों से तमाम बरादरान मिल्लत को जो कलबी मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसन हम जिन हालात में ईद मना रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे जज्बे कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप तमाम वाकिफ़ हैं कि इस्लाम में सफाई नज़ाफ़त की बहुत अहमियत दी गई है और खुसूसन इस्लामी त्यौहार में जो नज़्म ज़ब्त और जहाँ तक हो सफाई को मेंटेन करने के लिए हमको बुनियादी तौर पे तालीमात दी गई हैं और न सिर्फ हमको अपने घरों में, मस्जिदों में, महल्ले में, चाहे पड़ोस में जो है मुसलमान रहें या गैर मुस्लिम रहें, सबकी जो है सफाई के हमको जो है फ़िक्र करनी चाहिए। ये इस्लामी तालीमात का बुनियादी वो हैं। आप जानते हैं जो लोग मक्का और मदीना
गए हैं और बहुत सारी हमारी मस्जिद के अंदर जो सफाई मेंटेन की जाती है वो हमको अपने इस्लामी त्योहारों के मनाने में भी उस बात का ख्याल रखना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारे दीन की हम जो है तशखीर को फैला सकेंगे और लोगों इसकी अच्छी बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी जो इस्लाम में बुनियादी तालीमात जो है सफाई की है। और ममनुआ जानवरों और मवेशियों को ज़िबा ना करें और फिर क़ुरबानी करते हुए साफ़ सफाई, क्योंकि साफ सफाई दरअसल ईमान का हिस्सा है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तो जो फजलात हैं उसके वो जो मुतय्यना मकामात हैं वहाँ पर डालें या गड़ा खोद कर उसे दफन करें, गंदगी से नजासत से हत्तल वसा परहेज करें। और हम इस मौके पर अहले इस्लाम से गुजारिश करेंगे कि वो तमाम एहतियात को मलहूज रखते हुए ज़रूर क़ुरबानी करें। ईद उज़ुहा अनगा बकरीद शुभाकांक्षलु मित्रुलु श्रेयोभिलाषुलु सोदर देशवासुलु अंदर की कूडा तेलियजेसुकुंटुन्नामु। ई संक्लिष्टमैनटुवंटि करोना महम्मारी उन्नटुवंटि परिस्थितुल्लो ई रोजु मनं बकरीद पंडुग जरुपुकुंटुन्नामु। अलागे ई बकरीद द्वारा एदैते कुर्बानी इव्वडं जरुगुतुंदो ఈ కుర్బానీ మాంసాన్ని వీలైనంత ఎక్కువగా పేదవాళ్లకు మనం పంపిణీ చేసి తద్వారా వాళ్లలో కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా ఏ హెల్త్ హైజీన్ కి సంబంధించినటువంటి నియమాలు ఉన్నాయో వీటిని త్రికరణ శుద్ధితో పాటిస్తూ మనం కుర్బానీ చేసి మరి ప్రజలందరికీ కూడా సహకరిద్దాం, ప్రభుత్వానికి కూడా సహకరిద్దాం. అలాగే మనం ఈ ఈదు జుహా నమాజ్ ని కూడా ఇంట్లోనే మనం ఆచరిస్తాం కనుక మనం చేతులెత్తి సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి దైవాన్ని ప్రార్థిద్దాం. ఓ దైవమా, ఈ మహమ్మారి బారి నుంచి ప్రజల్ని రక్షించు, దేశంలో దేశం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్య నుంచి ప్రజల్ని రక్షించి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని చేకూర్చు అని చెప్పి మనం ప్రార్థిద్దాం.